टेक्नोलॉजी से भरपूर इस दुनिया में आज के इस एपिसोड में आप लोग कुछ शानदार व्हीकल्स देखने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप लोग इन पर राइड जरूर करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो एसयूवी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जर्मन की बारबस टीम ने ग्लेंडा वैगन को मॉडिफाई करके इसे बनाया है। इस मॉडल में सिर्फ हेडलाइट और टेल लाइट ही ओरिजिनल यूज किए गए हैं। इसका इंजन 900 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, जिससे कि ये एसयूवी सिर्फ 3.4 सेकंड्स में 60 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी बॉडी एल्यूमिनियम और केवलर पैनल्स और कार्बन फाइबर से बनी है। मैक्सिस रेजर एमटी टायर इसे पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। इस एपिसोड का अगला व्हीकल होलैंड में बनी टू सीटर सबमरीन है। इसकी सबसे खास बात है कि इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 110 इंचेस है, जिससे कि इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना काफी आसान है। इसके मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग ये दुनिया की सबसे पहली इस तरह की सबमरीन है, जो कि 330 फीट गहराई में जा सकती है। इसके स्फेरिकल कॉकपिट से बाहर के शानदार नजारे का आनंद भी ले सकते हैं। अंडर वाटर इसकी स्पीड 3 नोट्स है और इस सबमरीन में लगी 4 रिमोट कंट्रोल्ड मोटर से इसे चला सकते हैं। इस गाड़ी का रखा गया नाम क्रेजी कार्ट इसकी क्रेजीनेस को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। 55 पाउंड्स की ये कार्ट 139 पाउंड्स तक वजन उठाकर 12 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है और 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकती है। इस कार्ट पर आप लोग प्रो रेसर की तरह ड्रिफ्ट भी लगा सकते हैं। इसमें लगा लार्ज फ्रंट टायर इसे स्टेबल रखता है। एक बार चार्ज करने पर इसे 40 मिनट्स तक चलाया जा सकता है। इसका मॉडल 2006 में रेडी किया गया था, लेकिन इसे डेवलप करने में 7 साल लगे। लेकिन अब इसे चाहने वाले लोग इसके यंगर वर्जन की काफी डिमांड कर रहे हैं। 1960s में अमेरिकन टस्कन ट्रांसपोर्ट सर्विस टीम ने ये अनयूजुअल टू व्हील्ड कार बनाई थी। इस कार में एडवांस्ड एरोडायनामिक्स और जायरोस्कोप का भी इस्तेमाल किया गया था। इस कार में 80 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया था, जिससे कि ये कार 125 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है और 40 डिग्री के टर्न्स आसानी से ले सकती है। बदकिस्मती से इसकी कंपनी के बैंकरप्ट होने की वजह से इसकी सिर्फ सिंगल कॉपी ही बन सकी थी। इसके बाद सन 2013 में लेन मोटर म्यूजियम ने इसे परचेज कर लिया था और अब टाइम टू टाइम इसे मेंटेनेंस के लिए चलाया भी जाता है। कूल व्हीकल्स के किसी भी एपिसोड में जापान में बने व्हीकल्स ऐड ना किए जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इलेक्ट्रिक कार जापान के टाजिमा मोटर इंजीनियर्स ने बनाई है और जो लोग एनवायरनमेंट को अफेक्ट किए बिना शॉर्ट डिस्टेंस बहुत ही जल्दी कवर करना चाहते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्राइस 48,000 इंडियन रुपीज है। इसका वेट 620 पाउंड्स है। ये कार 45 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती है। अगर इसमें और भी ज्यादा पावरफुल बैटरी लगा दी जाए तो इसे 74 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है। इसकी लेंथ सिर्फ 8.2 फीट है, जिससे कि इसे आसानी से पार्क भी किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, इस एपिसोड में दिखाए गए कुछ शानदार व्हीकल्स पर क्या आप लोग भी राइड करना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को प्रमोट कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड बाय।